गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। मैं संदीप कुमार फिर से आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे आवेश के बारे में, तो आवेश आपका इतना जल्दी पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो आवेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तो कहने का मतलब है आवेश बहुत अपने आप में एक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने पाँचवा वीडियो अपना है और पाँचवें वीडियो में भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आवेश के ही बारे में, ठीक है ना। ये आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आवेश अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वीडियो को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमारा आवेश एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। पढ़ते रहिए। आज भी जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, ठीक है। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने जो बात किए थे, पिछले क्लास में क्या बात किया गया था, तो पिछले क्लास में बात किया गया था कि आवेश हमारा कैसे उसका संकल्पना करते हैं, किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। आवेश का एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इस प्रकार के हम बात किया था। आवेश से एक क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते हुए चलिए हम उसके आगे कुछ आपको हम आज सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जो सीखेंगे वो बहुत ही मूल रूप की बातें हैं आवेश का। अब हम लोग डीपली स्टडी करने के बाद कुछ आगे हम लोग देखते चलने आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, आज हम लोग आवेश के चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है ना। उसका आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी चार्ज तो अपना आवेश है, उसका मात्रक क्या होता है। आज हम लोग उसका यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट होता क्या है। यानी देखिए, चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, चार्ज बहुत बड़ा मात्रक है। चार्ज को सिंपल में मत समझिएगा, ठीक है ना। जैसे चार्ज को सिंपल में समझना ही भूल है। चार्ज कहने का मतलब कि चार्ज का आवेश हम लोग जनरली जानते हैं कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। यानी इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, इसका तो बहुत बड़ा रीजन होगा, क्योंकि चार्ज अपने आप में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा भूमिका निभाता होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ते चलेंगे। एक मूवी आया है पुष्प, ठीक है ना, नाम तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मूवी है, इसमें ये जो है, इसको सब क्या समझाता है, जैसे बोल रहे हैं, जैसे चार्ज, चार्ज को हम रिलेट कर रहे हैं, चार्ज को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इससे, इस मूवी के नाम से, ठीक है। तो ये क्या बोलता था कि फ्लावर समझा है, तो कहने का मतलब इसे भी हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर फ्लावर ये नहीं था, तो इसको भी हम लोग फ्लावर नहीं लेंगे, ठीक है। ये फ्लावर नहीं था तो इसको भी हम लोग फ्लावर नहीं लेंगे। ये एक फायर था तो ये भी फायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फायर था तो ये भी फायर हो जाएगा। तो यहां से ये हम लोग इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो चार्ज और इस मूवी का नाम जो पुष्पा है, तो इसको भी हम लोग फ्लावर के जैसा नहीं ले सकते। तो चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट हम बात कर रहे हैं, यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। मात्रक होता क्या है, हम लोग किसका मात्रक पढ़ रहे हैं, आवेश का। तो आवेश का मात्रक होता क्या है उसको देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे आवेश का हम लोग जैसे जानते हैं दूरी, दूरी का एसआई यूनिट होता है, दूरी का हमारा सीजीएस यूनिट होता है। एसआई हो सीजीएस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एसआई अलग हो जाता है, सीजीएस अलग हो जाता है अपना, ठीक है। तो एसआई और सीजीएस में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एसआई याद कर लेंगे तो सीजीएस याद करना बहुत आसान। तो सीजीएस और एसआई दोनों हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो एसआई रहे, सीजीएस रहे, कुछ रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अभी हमने बताया ना कि जो है अपने आप में हल्के नहीं लेंगे, ठीक है। आइए, तो एसआई यूनिट में अपना पहले से ही पढ़ चुके हो, जब एसआई यूनिट निकालने की बात की जाए आवेश का, तो देखिए मूल रूप से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं वो समझिएगा। आवेश का यूनिट निकाल रहे हैं, एसआई यूनिट सबसे पहले देखेंगे, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का होता होगा, तो देखा एसआई यूनिट कहने का मतलब आवेश, तो आवेश कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं आपको आवेश। आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको अगर धारा कुछ याद होगा, धारा याद होगा तो आपको पता होगा आई बराबर अपना होता है क्यू बटा टी, कहने का मतलब क्यू बराबर आई टी, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो आवेश का हो जाएगा धारा गुणा समय,
दिक्कत है, धारा गुणा समय आपका, यहां से अगर इसको हम निकालना चाहे तो यहां पर क्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आई गुणा टी। ठीक है, अब इसका यूनिट निकला चाहे, इसका यूनिट निकला चाहे और इसका यूनिट निकला चाहे, अब हम सबका यूनिट लिख रहे हैं। अगर आवेश का यूनिट निकला चाहे, आवेश का, तो आवेश का हम लोग जानते हैं कूलाम्ब होता है, कूलाम्ब होता है। आई का यूनिट लिखना चाहे जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद गुणे में आपका सेकंड हो जाएगा। तो दिक्कत है ये अपना, अगर इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करें तो गुलाम को हमको सी से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, या और भी देखिए, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं और समय को सेकेंड एस से डिनोट करते हैं। तो गुलाम का आपका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, गुलाम यानी बोल सकते हैं आवेश का एसआई मात्रा हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, जो कितने आवेश कितने गुलाम के बराबर होता है, एक गुलाम के बराबर होता है। ठीक है, आप एसआई मात्रक कूलाम भी बोल सकते हो, आप एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये जो क्यू का हम लोग कूलाम बोल दिए, किसके बराबर हो गया, एम्पियर सेकंड के बराबर हो गया। कहीं कहीं आपको ये कूलाम दे करके ना निकालेगा, आपको डायरेक्ट लिखेगा क्यू बराबर एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड कितने कूलाम के बराबर, एक कूलाम के बराबर। कहने का मतलब आपका एसआई मात्रक कूलाम भी होता है, ठीक है ना, कूलाम भी आपका एसआई मात्रक। वही फिर हम रिलेट करते हैं पुष्पा से, तो पुष्पा क्या है, एक फ्लावर नहीं, इसका दो नाम, लोगों ने नाम रखा फ्लावर लेकिन अपने आप में यह था फायर। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, आवेश, आवेश अपने आप में, उसका पहला नाम अगर लोगों ने रखा फ्लावर तो इसका एक और बड़ा मात्रक है जिसको हम फेराड बोलते हैं, तो अपने आप में क्या है, फायर। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग और चलते हैं। एसआई हमने देखा कूलाम, एसआई हमने देखा कूलाम या एम्पियर सेकंड, कूलाम देखा या एम्पियर सेकंड, और इसके सीजेस मात्रक होते हैं, जैसे आपके दूरी का मात्रक निकाले थे, इसका देखते हैं। इसका देखिए सीजीएस यूनिट होता क्या है, सीजीएस यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट बहुत एकड़ से ऊंची होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलाम। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलाम। तो सीजीएस यूनिट में देखेंगे इसका, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, तो सीजीएस यूनिट में प्यारा सा शब्द है इसका, स्टैट, स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। अब एक स्टैट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है, तो सॉरी, एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं, यहां हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, एक कूलाम बराबर 3×10^9 स्टैट कूलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से पूछ सकता है कि एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं, तो आप बोल सकते हैं एक कूलाम में 3×10^9 स्टैट कूलाम हो सकते हैं। ठीक है, एक कूलाम में कितने स्टैट कूलाम हो सकते हैं, 3×10^9 स्टैट कूलाम हो सकते हैं। बात समझ में आया। इसका एक और चुन्नो सा मात्रक है, छठा सा मात्रक है, उसको ध्यान देंगे, देखिएगा ध्यान से, एक और मात्रक, बस एक और मात्रक हम लोग समझ लेंगे, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा है, देखिएगा एक और मात्रक इसका है ई एम यू, जिसको हम लोग बोलते हैं ई एम यू, इसका पूरा नाम हो जाएगा, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, लिख दे रहे हैं आपको ई एल ई सी टी आर ओ, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, 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 उसके बाद यू का मतलब होता है यूनिट, अगर इसकी हिंदी वर्ड लिखने चाहें आप लोग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अगर यहां से बात कर ले कि एक कूलाम में कितने ई एम यू होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एक कूलाम बराबर 1/10 ई एम यू। बात समझ में आया नहीं आया, बात समझ में आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में छापिए यस या नो, ठीक है, आपको छापना पड़ेगा, और कैसा वीडियो कैसा लगा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए।
आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स का प्रॉपर यूज करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए ही बना है। कोई भी क्वायरीज है कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर छाप दीजिए, उस क्वायरीज को हम आकर फिर से आपके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, इसके लिए शक करने की बात ही नहीं है, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक कुलाम में 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है, एक कुलाम में 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, बात समझिएगा, ठीक है। तो हमने SI देखा, CGS देखा, विद्युत चुम्बकीय मात्रक भी देखा। सबसे बड़ा मात्रक का थोड़ा बात कर लेते हैं, तो दुनिया यानी बोल सकते हैं सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, यानी इनमें से सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है भैया, क्या होता है? तो सबसे बड़ा मात्रक अपना होता है फैराड, 1 फैराड बराबर सबसे बड़ा मात्रक का होता है फैराड, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मात्रक आपका फैराड, 1 फैराड बराबर कितना कूलम होता है, ये भी लिख दे रहे हैं, 96,500 कूलम, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी कूलम, 1 फैराड में कितने कूलम होते हैं, तो 96,500 कूलम, 96,500 कूलम आपका 1 फैराड के बराबर हो जाएगा। ओहो बहुत ही प्यारा सा है ना, तो ये सबसे बड़ा मात्रक है अपने आप में, सबसे बड़ा मात्रक। अब इसको भी आप हल्के में नहीं लेना, वही बात है, ठीक है, तो इसको भी आप हल्के में नहीं लेना, ये अपने आप में बड़ा मात्रक है, लेकिन आवेश में अपने आप में बड़ा मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा आवेश का मात्रक जो फैराड है, ठीक है, आवेश भी अपने आप में बड़ा मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछ दे आपसे, प्यारा सा दमन सर दीजिएगा, क्या है? फायर, जैसे हम लोग फ्लावर क्लाम को बोले थे, इसको हम फायर बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्लावर फायर, फ्लावर हम लोग रखे हैं, फायर वो अपना रखा हुआ है, ठीक है, लोग उसके काम के वजह से फायर जाना है, तो यहां भी आवेश को काम के वजह से फायर माना है, ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक फैराड। दिक्कत है यहां पे? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, ये फैराड आया तो आया कहां से? अगले क्लास, मतलब इसका सॉल्यूशन, या इसका कोई आपको कुछ पता हो तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में इसके बारे में कहां से आया फैराड ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको हम ये HW के रूप में दे रहे हैं, HW के रूप में दे रहे हैं कि ये फैराड 96,500 आया तो आया कहां से, ये बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापिए, आता है तो, नहीं आता है तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट वहां पे लिखना है, इसका सॉल्यूशन दिया जाए, कहां से आया समझाया जाए, ठीक है, प्लीज कमेंट में लिखने का प्रयास करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, वीडियो जरूर अच्छा लगता होगा आपको, मेरा भरोसा है, क्योंकि हम जो दे रहे हैं अपने 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो हमने देखा 96,500 सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, SI यूनिट आवेश का क्या होता है, एम्पियर सेकंड, जो कितने कूलम के बराबर होता है, 1 कूलम के बराबर, फिर आ जाइए सी, एम्पियर इंटू सेकंड। CGS मात्रक में हमने देखा स्टैट कूलम, जो 1 कूलम गुने 10 के, 1 कूलम इज इक्वल टू 3×10^9 स्टैट कूलम के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। एक और मात्रक आपका EMU हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय मात्रक, वैल्यू होता है 1 कूलम बराबर 1/10 EMU। रिलेशन निकालना चाहे तो यहां से रिलेशन भी निकाल सकते हैं, 1 कूलम में अगर इतने हैं तो 1 कूलम में कितने EMU हो सकते हैं, तो आपने देखा 1 कूलम में इतने EMU हो सकते हैं, अब बोल सकता है कि 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम हो सकते हैं, तो 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम हो सकते हैं, तो 3×10^9 स्टैट कूलम हो सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां से आपको अगर रिलेशन भी निकालना चाहे तो रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कूलम का पूछे वो भी लिख सकते हो, 1 कूलम का EMU पूछे वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, छापना है स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए और इसका सफ बनाने का प्रयास कीजिए, और जितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं, जितने सारे हमारे भाई लोग हैं, वो क्या करेंगे, हमारा जितना भी सारा पढ़ा है उसका सफ करने के बाद टेलीग्राम पे तो आपको आपका नहीं है, सबको अप्लाई नहीं किया गया कि आप टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हो, लेकिन आप फेसबुक वाले पेज पे ज्वाइन हो जाइए, फेसबुक वाले पेज पे जा करके वहां पे आप इसका फोटो डाल दीजिए, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए आज फेसबुक पेज का आपका, फेसबुक का जो पेज है, जिसको हम जो ग्रुप बनाए हुए संदीप फिजिक्स क्लासेस के नाम से, उसका हम लिंक
आपको आज डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। वहां पर जा करके इसको आप डाल दीजिएगा सर्व करने के बाद इसका फोटो, ताकि जो ना ना कर पा रहे हैं, जो थोड़े से मतलब कहने का मतलब जो वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद वो सफ ना कर पा रहे, तो वो कर ले, ठीक है ना। आपका लिखा हुआ चाहे तो आपका बनाया हुआ सफ उनको अच्छा लगे तो वो कर ले, ठीक है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। चलिए तो अब क्या होने वाला है उसको देखते हैं। हमने गुलाम देख लिया, आपको ये भी बताया था गुलाम अपने आप में एक बड़ा मात्रक है, ठीक है ना। गुलाम अपने आप में एक बड़ा मात्रक है, तो अब जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, जैसे मार्केट में आप बोलिए एक गुलाम हमको आवेश दे दो, तो वो बहुत बड़ा मात्रक होता है अपने आप में, तो उसको छोटा करने के लिए बाजार में बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहला वर्ड आपको बताते हैं माइक्रो कूलाम। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो कूलाम। फिर आता है नैनो कूलाम, इसको हम लोग बोलते हैं नैनो, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है मिली कूलाम, इसको हम लोग बोलते हैं मिली। उसके बाद आपका आता है पिको कूलाम, इसको बोलते हैं पिको कूलाम, पिको कूलाम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिको। इसको समझ में आ रहा बात। चलिए थोड़ा इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं फिर से बारी से, बारी बारी से। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछ दे प्यारा सा शब्द बताएंगे आपको पूछने के लिए, पूछेगा तो आप आंसर भी दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है, क्वेश्चन आता है कि एक माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10^-6 कूलाम, ठीक है। 1 मिली कूलाम बराबर 10^-3 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10^-9 कूलाम, और 1 पिको कूलाम बराबर 10^-12 कूलाम। बस 10^-12, इतने ही शब्द आपको यूज करने हैं, एक प्रॉपर तरीके से इतने ही शब्द आपको बारी बारी से देंगे, ठीक है। यानी माइक्रोम का मतलब होता है 10^-6, पिको का मतलब होता है 10^-12, मिली का मतलब होता है 10^-3, और आपका नैनो का मतलब होता है 10^-9। कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अरे देखते चलो हम हैं क्या, समझ में आ रहा, देखते चलो हम हैं क्या। देखिए मोह माया के चक्कर में पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसी से वो सब कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, लोग कहाँ समझ रहे हैं आजकल, चलिए ध्यान दीजिएगा। 1 माइक्रो कूलाम 10^-6, 1 पिको कूलाम 10^-12, 1 नैनो कूलाम 10^-9, 1 मिली कूलाम 10^-3 कूलाम, ठीक है। अगर ये सब सारे शब्द आपको देंगे और मार्केट में यही सारे शब्द यूज होते हैं आवेश के लिए, बात समझ में आया अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया। चलिए थोड़ा हम आगे बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा शब्द देखिए फिर से ले रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत है, आवेश संरक्षण का नियम, आपको पता होगा कि प्रकृति में सारे आवेश संरक्षित रहते, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या बोल देने से बात स्पष्ट हो जा रही है, नहीं। जब तक हम इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं तब तक स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। वही बात है, इसे कहने का मतलब है कि प्रकृति में सारे आवेश संरक्षित है, समझिएगा बात को, प्रकृति में सारे आवेश संरक्षित है, ना इसे घटाया जा सकता है ना इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे आजकल के लोग हैं जिनको बोलेगा कि नहीं सारा कुछ है जो आपके लिए है, किसी को बांट नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को बांट रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक लोगों पर फोकस करते हैं, आपको पिछले क्लास में ही बताए थे, और जो लोग हैं जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव, वो क्या करते हैं अन्य लोगों पर भी फोकस करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बात समझिएगा, आवेश संरक्षण का नियम जस्ट कहाँ जा रहा है उस पर हम रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आवेश संरक्षण के नियम में क्या हो जाए। आवेश संरक्षण के नियम में हम आ जाते हैं फिर सानिया मिर्जा को लेकर के, तो सानिया मिर्जा क्या करते थे, पहले बोलते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों का सपोर्ट करते हैं, यानी सारा का सारा मेरा जो है सहानुभूति सारा का सारा इंडिया को समर्पित है। वो क्या कर दिए, इंडिया को समर्पित करते 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 फिर चले गए पाकिस्तान, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है यहां से कि आपका
पूरा का पूरा आवेश संरक्षित है, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, जब नेट वैल्यू निकालेंगे आवेश का, तो वो यानी कि कहने का मतलब है कि क्रिया के पहले और क्रिया के बाद दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यानी इंडिया में थी तो भी, इंडिया के बाहर गई तो भी, दोनों उनका सहानुभूति चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में थी तो इनका जितना लगाव इनके साथ था, उसके बाद यहां गई तो जो इनका लगाव इनके साथ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देश बदलने से इनका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, तो पता नहीं बदला या नहीं बदला, ठीक है, कोई बात नहीं। आई देखते अब इस संरक्षण के नियम में फिर उसी से रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम ले लेते हैं सोडियम, बात समझिएगा। आपको पिछली कक्षा में बताया गया था संकल्पना के समय कि सोडियम आवेश का त्याग करता है, सोडियम आवेश का त्याग करता है। जब कोई आवेश का त्याग करेगा तो वो प्लस हो जाएगा, पता है ना, सोडियम आवेश का त्याग करता है, तो त्याग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो त्याग करने के बाद क्या हो जाता है, ये प्लस हो गया था, ठीक है। क्या त्याग किया था, तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, बात समझिएगा। क्लोरीन भैया बैठे हुए थे, क्लोरीन ना, क्लोरीन बैठा हुआ था, एक कहा गया लाओ लाओ जल्दी लाओ, बोलेगा ना लाओ जल्दी लाओ, तो ये बोला जैसे त्याग के ना, मतलब भिखारी वाला बात कर रहा था, ये थोड़ा सा करने का, जल्दी हमको दे दो, तो वो दे दिया। जैसे वो त्यागा, ये ग्रहण करने का काम कर दिया, तो बताइए ग्रहण करेगा तो प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, तो क्लोरीन ग्रहण करने के बाद, अभी तो जैसा जैसा है, ग्रहण करने के बाद माइनस हो गया, माइनस चार्ज आया ना, क्या ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, बोले बात समझ में आया। उसके बाद अगर इसको चेक करना चाहे तो Na प्लस Cl माइनस, दोनों साथ में रखेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, अगर इसको चेक करना चाहे तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस सॉल्व करेंगे, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा NaCl अपना बन जाता है NaCl। इसको हम बोल सकते हैं क्या, विलगित निकाय, विलगित निकाय, विलगित निकाय, विलगित निकाय, यानी सॉरी बिलगित निकाय, एक बिलगित निकाय लेंगे, एक ऐसा निकाय लेंगे, विलगित निकाय का मतलब भी आपको समझा देते हैं, जिसको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब क्रिया ये करे तो जिसको कोई परेशान ना करे, जिसको कोई परेशान ना करे, परेशान ना करे, ना करे, समझाया, बिलगित निकाय का मतलब एक बिलगित निकाय लेंगे जो क्रिया के समय उसको बाहर लोगों से कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसको हम बिलगित निकाय, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसे, बिलगित निकाय, यानी बोल सकते हैं वैसा निकाय, लिख देते हैं यहां पे वैसा निकाय जिसको क्रिया करते समय बाहरी कोई भी वस्तु, कोई भी यानी बाहरी कोई भी चीज परेशान ना करे, बाहरी चीज की जगह पर बाहरी कोई भी कारण लिख देते हैं, कारण परेशान ना करे, उसे क्या बोल सकते हैं, विलगित निकाय कहा जाता है। क्या निकाय, कौन सा निकाय कहा जाता है, विलगित निकाय कहा जाता है, ठीक है, आइए ये आपका हो गया। उसी तरह यहां पर जब कोई परेशान नहीं करेगा तो देखिएगा, एने त्यागा प्लस हो गया, क्लोरीन ग्रहण किया माइनस हो गया, दोनों को साथ में लिखे NaCl बन गया, बात समझ में आया। अब यहां से देखिए हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का, क्या प्रयास कर रहे हैं समझाने का, वो बात समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर इसको हम साफ कर देते हैं, बिलगित निकाय का यहाँ पे हम डिफिनेशन दे दिए, यानी पर जो यहाँ निकाय ले रहे हैं वो कैसा निकाय ले रहे हैं, बिलगित निकाय ले रहे हैं, जिसको कोई बाहर से परेशान ना करे। चलिए यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये क्रिया के पहले का कहानी ले रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए क्रिया के पहले का, क्रिया के बाद का, ठीक है, उसके बाद समझेंगे, क्रिया के पहले क्रिया के बाद, ठीक है ना, क्रिया के पहले क्या होता है, क्रिया के बाद क्या होता है, ये चीजों को समझना जरूरी है ना। तो क्रिया के पहले वो क्या हो गया था, क्रिया के बाद क्या हो गया था,
है, नेट चार्ज कितना आया था। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर, सबसे पहला हम निकाल रहे हैं पहला बात, कुल धनावेश यहां पर फिर लिख रहे हैं कुल ऋण आवेश। देखिए कुल माइनस कुल धनावेश, कुल माइनस कुल ऋण आवेश, कुल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या, ठीक है। उसके बाद नेट आवेश, नेट आवेश कहने का मतलब कुल आवेश, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, सबको जो सबको देखना है नेट आवेश। आवेशों की कुल संख्या प्लस माइनस, वो नहीं देखना है कि प्लस है माइनस है, गिनना है कि कितने आवेश हुए थे, ठीक है। अब देखिए कुल धनावेश अगर देखना चाहे तो देखिएगा कुल धनावेश कितना है, कुल धनावेश कितना है, एक है, कुल धनावेश कितना है, एक है। उसके बाद ये क्रिया का पहले का कहानी यहां पे लिख दे रहे हैं हम, यहां पे देख दे पहले, ये बाद का कहानी, ठीक है। देखिए अगर क्रिया का पहले देखें, यहां पर से चेक करते हैं, क्रिया का पहले कितना है, एक है, क्रिया का बाद धनावेश कितना है, एक भी नहीं है। देखिए यहां पे है नहीं है, फिर आइए क्रिया के पहले ऋण आवेश देखते हैं कितना है, एक है, है ना, ये प्लस का था और ये माइनस का है, ठीक है। उसके बाद क्रिया के बाद कितना है, शून्य हो गया। आवेशों की संख्या प्लस माइनस रिलेट नहीं करता, कितना है वो गिनना है। तो देखिएगा एक यहां एक यहां, कितना हो गया, दो हो गया, कितना हो गया, दो हो गया क्रिया के बाद, बोलिए कोई दिक्कत। फिर देखिए नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट आवेश, नेट आवेश आपको पता होगा कि आवेश को अगर पूरा कुल आवेश निकालने, नेट चार्ज निकालने का बात करें, संख्या यहां बात नहीं कर रहा, नेट चार्ज निकालने का बात करें, तो आपको पता होगा उसका बीजगणित योग होता है। तो एक आपका प्लस था, दूसरा आपका माइनस है, एक का टिककर जितना आ गया, जीरो आ गया। तो बताइए कि क्रिया के पहले भी जीरो और बताइए क्रिया के बाद भी कितना, जीरो। तो आपको ये सारी तीनों बातों पर ध्यान नहीं देनी है, ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये ऊपर वाला धनावेश बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऋणावेश बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां पर आवेश की संख्या बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन नेट चार्ज का बात करें तो क्रिया के पहले भी और क्रिया के बाद भी दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। कहने का मतलब है, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्रिया के पहले और क्रिया के बाद एक दूसरे का चार्ज हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी बोल सकते हैं वह विल कितने का है जिसकी क्रिया के पहले और क्रिया के बाद का चार्ज हमेशा बराबर होता है, उसे हम आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग, ठीक है, समझ में आया। तो चार्ज बराबर होना चाहिए, यानी अपना चार्ज खोना नहीं चाहिए। कुछ समय तक हम दान कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज बराबर होना चाहिए। वही पुष्पा का फिर लाते हैं, कुछ समय तक क्या था, तो कुछ समय तक वो गिर कर रहा था, फिर उसके बाद क्या किया, वो फिर से अपना ताकत दिखाना स्टार्ट किया था, देखे होंगे मूवी, ठीक है ना। तो वही से यहां से देखिए, कुछ समय तक ये खोने का प्रयास किया, लेकिन अगर नेट चार्ज निकालना स्टार्ट किया, उसके बारे में लोग जानना स्टार्ट किया, तो वो वही निकला जो पहले था वही बात, जो पहले था वही बाद में। सारे लोग बदल गए लेकिन ये जैसा था वो पहले था वही बाद में। पहले देखो यहां बदला, यहां बदला, यहां बदला, फिर बोला कि नहीं अब नहीं, पहले हम वही थे आज भी हम वही है, शेर का शेर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पढ़ने का पूरा मन लगाना चाहिए, तब जाके ये पूरा का पूरा आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इससे कभी भी क्या करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है अपने मन के साथ। जब पढ़िए तो पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि आपको पता होगा क्लास में आप सबसे परफेक्ट कब बनेंगे, क्लास में आप सबसे परफेक्ट कब बनेंगे। लोग कहता है ना क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, तो मॉनिटर कब बनता है, लोग उनको क्या करता है, चुनता है, ठीक है ना। तो वो चुनने कोई नहीं, आप डायरेक्टली चुना जाए, चुने कोई नहीं, डायरेक्टली चुना जाए। कहने का मतलब लोग आपको चुने या ना चुने, आप मन से क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि जंगल में कभी चुनाव होता है क्या, नहीं होता है, लेकिन शेर हमेशा राजा रहता है, तो शेर मन से राजा है, उसको कोई चुनने नहीं आता। उसी तरह आप क्या कर लीजिए ना, कि आपको कोई चुने या ना चुने, आप अपने अंदर से किंग रहे, ठीक है। चलिए तो जितना पढ़ा है इतना आपके लिए आज बहुत है, फिर आपको अगले वीडियो में लाएंगे नया कंटेंट, एकदम बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, जिसको आप पढ़ने के बाद अच्छा सा महसूस करिएगा।
ये भी आपको वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिएगा दोस्तों के पास, ताकि उनको भी मौका मिल सके हमारा वीडियो देखने का। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ठोक दीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।